सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू पमिक दिनी ब्लॉग। में तो अभी सुबह के बज रहे 7:30 और दोनों बच्चे स्कूल चले गए। आज लास्ट एग्जाम है दोनों का। आयुषी का संस्कृत है, ध्रुव का हिंदी है और आंखें आपको लग रही हुई मेरी सूजी सूजी। बाकी मैं सूजी है क्योंकि रात को तो आयुषी हद ही कर दी थी, 2 बजे तक पढ़ रही थी। और जब बच्चा आपका पढ़ता है तो माँ कैसे सो सकती है। ध्रुव 11 बजे सो गया, आयुषी 2 बजे तक पढ़ती रही, सो ही नहीं रही थी। उसका संस्कृत का नहीं हो रहा था क्योंकि आज तक उसने कभी संस्कृत पढ़ा ही नहीं। 6 क्लास से पढ़ती है लेकिन यहाँ के जो टीचर होते हैं जैसे उसको संस्कृत नहीं पढ़ाते, तो वही उसका हुआ नहीं था, तो वही कर रही थी। आई होप उसका एग्ज़ाम अच्छा जाए। मेहनत तो बहुत किया लड़की ने और मुझे इतनी नींद आ रही है अभी ना कि पूछो मत, क्योंकि मैं 2 बजे मैं उसको सुलाई वो तो तुरंत सो गई लेकिन मुझे तुरंत नींद नहीं आती। और एक प्रॉब्लम और है मेरे साथ, 12 बजे के बाद मुझे नींद नहीं आती है। और मैं कितना 2:45 बजे के करीब मेरी आँख लगी है और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, एकदम मौसम ख़राब कर दी है भगवान ने, भगवान बोलते जो कि मौसम ख़राब हो गया। और फिर मैं 5 बजे उठ गई। कुल मिलाकर वही 2 घंटे की नींद मेरी पूरी हुई होगी। पूरी क्या हुई है, 2 घंटा ही सोई मैं। और जैसे बापरे 2:30 बजे मुझे इतना घबराहट होने लगा, मुझे पता था कि मुझे 5 बजे उठना है। अरे मैं कैसे सोई, नींद भी नहीं आ रही, आँख भी चल रहा है, तो बुरी हालत है अभी मेरी। और मुझे लग रहा है मैं चलते चलते सो जाऊंगी लेकिन अभी मैं सो भी नहीं सकती। वही मैं इनको बोली थी, अभी मेरे पास अगर काम नहीं होता तो मैं सो जाती, लेकिन अभी पीछे देख सकते हो पूरा बिस्तर टेबल पूरा फैला हुआ, सबको क्लीन करूंगी, पूरी डस्टिंग होगी, अच्छे से झाड़ू पोछा होगा। और प्लस अभी पानी आ गया तो मैं पानी इनको बोली भरने के लिए, बाकी टंकी में मैं भर रही हूँ और मशीन तो मैंने लोड कर दिया है। तो अभी जस्ट मैं चाय पीकर उठी हूँ और आज पता नहीं चाय भी नहीं अच्छा लग रहा, शरीर थका होता है तो आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, तो यही हाल है। तो अभी तो बच्चे गए हैं और आएंगे 11:30 बजे के करीब, नहीं 12:15 बजे, 11:30 बजे तो उनकी छुट्टी होती है। तो चलो बच्चा खूचा काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो अभी आप देख ही रहे हो, आधा से ज़्यादा सामान मैंने पैक कर दिया, डेकोरेटिव जो भी आइटम थे सब मैंने हटा दिया है क्योंकि अभी लास्ट टाइम चल रहा है हमारे जाने का, तो सारा पैकिंग करना ज़रूरी है क्योंकि लास्ट टाइम कुछ नहीं समझ में आता है ना, मानते हो ना। तो फिलहाल यहाँ पे मेरी डस्टिंग स्टार्ट हो गई। किचन मेरा ऑलमोस्ट मेरा क्लीन ही है, केवल झाड़ू पोछा करना है किचन में, क्योंकि किचन में नाश्ता बनाने के बाद मैं तुरंत से स्लैब वगैरह सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ और गैस वगैरह सब कुछ, बर्तन भी लगे हाथ वॉश कर लेती हूँ। और अभी भी बेड के नीचे मेरा सब कार्डबोर्ड रखा हुआ है, बॉक्सेस रखे हुए, क्योंकि इन सब में भी सामान अभी पैक ही करना है, बहुत कुछ अभी बाकी है। कभी कभी घबराहट से होने लगती है कि पता नहीं कैसे ही होगा। और कल रात को मैंने कपड़े भी फोल्ड नहीं किए क्योंकि सर में थोड़ा सा पेन हो रहा था, पता नहीं ये माइग्रेन वाली प्रॉब्लम कब जाएगी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा तंग आ गई हूँ इससे, परेशानी हो गई हूँ, क्या ही बताया, समझ में नहीं आ रहा है। तो कपड़े क्या है कि लगे हाथ फोल्ड हो जाते हैं तो सही रहता है, नहीं तो वही कपड़े का ढेर ना सर के सामने दिखता रहता है। एक तो जगह नहीं है, स्पेस भी नहीं है मेरे पास उतना, तो चेयर पे पड़े रहते तो वो भी गंदा लगता है, कपड़े का ढेर ऐसा अजीब सा लगता है, कोई आ गया तो वो भी शर्म सी आती है कि अभी तक इनके कपड़े फोल्ड नहीं हुए। थोड़ा बहुत ही थे सब मैंने कर ही लिया है और हाथ ये भी हो जाएगा। तो सारी बुक वगैरह सब कुछ निकालनी है, बच्चों से अलग अलग करानी है कॉपियाँ जो अभी भरी नहीं हुई है वो सारी, और बाकी सब मैं किसी को दे दूंगी क्योंकि किसी को देने से क्या होता है कि वो बच्चा पढ़ लेगा फेंकने से, या फिर रद्दी वाले भैया को देने से अच्छा है कि किसी को दे दो जी, किसी को ज़रूरत होगी तो। अब मुझे भी किसी से बुक लेनी है तब तक जब तक बुक्स नहीं आ जाते, क्योंकि बच्चे अभी खाली क्या करेंगे बैठ कर, तब तक कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, हालाँकि न्यू बुक तो लेनी ही पड़ती है। तो बच्चों के एग्जाम तो ख़त्म हो ही गया है और संडे को ये वाला काम मैं निपटाऊंगी क्योंकि ये भी निपटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी चीज़ें पैक होंगी। और यहाँ पे बच्चों के क्वेश्चन पेपर सब कुछ इनको मैं ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी क्योंकि उनके सारे क्वेश्चन पेपर एक साथ में रखती हूँ, फेंकती हूँ नहीं, क्योंकि ये रहता है तो उनके काम ही आ जाता है। कभी कभी दूसरे बच्चे भी मांग लेते हैं कि आंटी इस क्लास का है, इस क्लास का है, तो आप दे ही दो। और रात को इतना सारा पिंस में लगाए थे, हेयर स्टाइल बनाई थी और मुझे लग रहा है इसकी वजह से मेरे सर में पेन है, माइग्रेन तो है ही, साथ ही साथ अगर मैं हाई पोनी बना लेती हूँ या फिर बंस बना लेती हूँ तो मेरे सर में पेन और भी होने लगता है, कुछ नहीं समझ में आता। मैं बाल खुला रखूँ तब भी होता है, पोनी बनाओ तब भी होता है, कुछ समझ में नहीं आता। और ये वाला ऑर्गेनाइजर ना सबसे बेस्ट है, मेरे बहुत काम आए इसमें, मैंने लिपस्टिक नेल पेंट
क्लिप्स वगैरह सब कुछ रखी हूँ, तो ये बहुत काम की चीज़ है, छोटी सी चीज़ है लेकिन मतलब बहुत बड़े काम कर देती है। तो ये सूटकेस मुझे वॉश करने हैं क्योंकि इसमें मैं घर में कपड़े लेकर जाऊँगी, तो ये भी गंदा पड़ा है और अभी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे वॉश करूँ क्योंकि अभी बारिश लगातार हो रही है 2-3 दिनों से और रुकने का नाम नहीं ले रही है। सो गाइस, मम्मी इधर इमली की चटनी की तैयारी कर रही है क्योंकि आज स्नैक्स में बनेगा टिक्की। थोड़ा सा ही बना रही हूँ इमली की चटनी, वो भी मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ देखो, ताकि बर्तन ज्यादा ना हो। और मम्मी ने उसके लिए यूज किया है टर्मरिक पेस्ट, टर्मरिक सॉरी टर्मरिक टर्मरिक पेस्ट। इसमें पक जाएगी ना मेरी देर, थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी हल्का सा 1 पिंच और थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर, ठीक है। तो अभी ब्लू और आईयूसी का आज एग्जाम खत्म, अभी दोनों बच्चे आए स्कूल से और काफी हैप्पी है, किसी को भी हैप्पी होता है यार जब एग्जाम खत्म होता है तो, है ना। तो अच्छा गया दोनों का, किसने तुम्हें नींद खराब कर दी रात के, मुझे भर भर के नींद आ रही है, अभी भी सोने में टाइम लगेगा क्योंकि अभी ये गिरेगा क्या, क्योंकि अभी तो खाना बनेगा, खाएंगे फिर तो मैं सोऊंगी। और आज मैं सांबर बना रही हूँ, मेरे को सांबर नहीं पसंद, तुम्हारे पसंद का टिक्की बन रहा है तो पापा को पसंद का सांबर बन रहा है। टिक्की पापा की भी, पापा पापा की ही पसंद का है, सांबर भी उनकी ही पसंद का है। ये वाला ये इसमें गिरे इसको छोटे ये, हाँ खट्टा खट्टा स्मेल आ रहा है और वो डालो गाइस। मैंने चावल भी रख दिया, दूध बॉयल होने के लिए रख दिया और यहाँ पर बन गया है शाम की टिक्की के लिए क्या बोलते हैं इमली की मीठी चटनी, अभी काली काली दिख रही है लेकिन काली है ना। और यहाँ पे एक दूध बॉयल किया है मैंने दही के लिए, गाढ़ा गाढ़ा सा दूध। और यहाँ पर है सांबर जीरा, टेस्टी सांबर, एक चीज़ की कमी है करी पता नहीं है मेरे पास, कोई नहीं हो जाएगा काम चल जाएगा। तो अभी बच्चे आ गए स्कूल से, तो जैसे कि मैं बताई आज दोनों का लास्ट एग्जाम तक फ्री हो गए। और यहाँ देखो आयुषी लग गई है अपना कुछ देखने में, ध्रुव लग किया है। तो बताओ बच्चों एग्जाम कैसा गया लास्ट? हिंदी में 80 या 78 के आसपास है। तुम्हारा कैसा गया एग्जाम? कैसा गया? अच्छा था, मतलब कैसा? 60 अबव। 60 अबव। 2 बजे तक लड़की पढ़ती रही, मेरे को नींद आ रही है बहुत तेज। अभी मेरा काम हो गया, मैं जा रही सोने, पापा आएंगे तो तुम उनको खाना दे देना, ठीक है। मैं खाऊंगी नहीं खाऊंगी मुझे मतलब मेरा कोई भरोसा नहीं है, बाकी तुम देख लेना, ठीक है। नींद आ गई तो जगाना मत, ओके। पर पहले तुम लोग खा लो, सिटी निकल जाएगा उसके बाद मैं तुम लोगों को खाना दे देती हूँ, उसके बाद ही सोऊंगी। बच्चों का एग्जाम खत्म हो गया तो बच्चों को मैं सोची कुछ ट्रीट करती हूँ, तो बच्चों से पूछी क्या खाना है, तो सब बच्चे के साथ साथ बच्चे के पापा का भी एक ही बार में बोलना था कि आप हमें आज टिक्की खिला दो, दही वाली क्या बोलते हैं दही पापड़ी भले जो भी है वो वाली खिला दो क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है। पर वही होता है ना, अपने हाथ का खाने में किसको अच्छा लगता है, इतनी मेहनत करके कोई बना कर दे तो बात अलग होती है। हालांकि आयुषी मेरी हेल्प करी, हमारे पास पापड़ी नहीं है बस यही दिक्कत है, तो हमारे पास गोलगप्पे थे तो हमने गोलगप्पे को तला और उसी को क्रश करके उसमें डाल दिया तो हमारा पापड़ी का काम कर गया। और ज़्यादातर टिक्की में घर में ही बनाती, बाहर से बहुत कम खाते हैं हम लोग क्योंकि बाहर का खाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हाँ डेली जाते हैं तो खाते हैं, यहाँ का मुझे उतना पसंद भी नहीं है। तो घर के बनाने क्या होता है कि एक तो टेस्टी भी होता है साथ ही साथ फ्रेश होता है, लेकिन वही बात आ जाती है कि इतना मेहनत कौन करेगा, कोई बना कर दे तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है, मानते हो कि नहीं। तो बस यहाँ पर रेडी है टेस्टी टेस्टी टिक्की, तो अब मैं इनको सर्व कर रही हूँ। सबसे पहले मैं तीनों के लिए प्लेट लगाऊंगी, मैं तो अभी नहीं खाने वाली क्योंकि मेरी आदत है ना पूरा काम ख़त्म करके मैं खाने बैठती हूँ, एक गंदी आदत है मेरी, अगर मैं पहले खा ली ना तो मैं हाथ पे रख कर ऐसी बैठी रह जाऊँगी आधे घंटे तक, तो इससे अच्छा होता है कि अपना काम फटाफट करो उसके बाद खाओ, और इस तरह से क्या होता है मेरा खाना ठंडा हो जाता है। लेकिन वही है कि मैं नहीं चाहती बिल्कुल बैठना, फटाफट काम करके मैं बिस्तर पे जाना चाहती हूँ, आराम करना चाहती हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं खा लेती हूँ उसके बाद मैं आधे घंटे 1 घंटे तक बैठे ही रह जाऊँगी, पता नहीं हो क्या जाता है मुझे।
तो इसलिए मैं सबसे लास्ट में खाती, और यकीन मानो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बना था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा आज का ब्लॉग, आप लोग बताना कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता ही क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का करना है लाइक और शेयर, भर भर के प्यार देना है, कमेंट करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल, ख्याल रखना, बाय, गुड नाइट।